तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपना चैनल द जीनियस लाइफ पे। दोस्तों अगले वीडियो में हमने जाना था यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस के लिए प्रीलिम्स पेपर वन, ठीक, उसका क्वेश्चन भी और आंसर भी 2020 का जो पूछा जा चुका है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का दूसरा पेपर, जिसे आप सी सेट बोलते हैं, ठीक, और यह सीरीज ए का क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, पूरा वीडियो कवरेज करेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि आपको ये जो पढ़ने के लिए दिया जाता है ओएमआर सीट, इसमें कुल आपका 2 घंटे का समय दिया जाता है और टोटल क्वेश्चन आपके 80 होते हैं, फुल मार्क्स आपके 200 होते हैं, जिसमें से आपको 33% लाना होता है, 33% पासिंग मार्क्स होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन, वो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो सभी 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में दिए गए हैं, ठीक, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उस भाषा का प्रयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन एक पैसेज है, ठीक, तो देखिए इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं आपके साथ और उत्तर भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन दिया है कि निम्नलिखित 6 प्रश्नों के लिए यहाँ पे पैसेज दिया जा रहा है, ठीक, सभी के लिए पैसेज अलग अलग से है। नीचे दिए गए 5 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों यानी कि पैसेज, ठीक, के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है केवल इसी को पढ़ना है, आपको बाहर में जितने भी चीज़ें जानते हैं उसको भूल जाना है, ठीक, उससे इसका कोई रिलेटेड नहीं है। क्या बोल रहा है, भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि अस्पष्ट बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं, ठीक, बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती हैं, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा भी भर पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं, ठीक, ये चीज़ पढ़ लिए। अब आपको इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या पूछा है कि इनमें से परिच्छेद यानी कि पैसेज में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है, जो सबसे ज़्यादा है, ठीक, उसी को बताना है। थोड़े थोड़े तो आपको सभी के लगेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोलता है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवसन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और डायरेक्ट में आपको इसका उत्तर बता दूँ, इसका उत्तर है डी। बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ाना आवश्यक है, ये इसका उत्तर है। अब मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका उत्तर, ठीक, आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी के संघर्ष आपको खुद ही लड़ना है, ठीक ना। तो चलिए इसको पढ़ लीजिए पैसेज 2 को, ठीक, उसके बाद आप इसका उत्तर देखेंगे। तो हमारा 2 का उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जिसकी इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगता है तो। और तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 3। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन पूर्व धारणाएँ वैध हैं, ठीक, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, सॉरी 2 का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 1 और 2, 1 और जो 2 धारणा है यह सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धारणा सही है, तो 1 और 2 सही है, 3रा आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो गया हिंदी में, अब आपका इंग्लिश में भी दे दिया है, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस बारे में पढ़ सकते हैं। पैसेज नंबर हमारा 3, यहाँ पे इसे आप पढ़ लीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो बी है, जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। उसके बाद जो आपका आता है
चार नंबर, और यहाँ पे आपका दे दिया है पैसेज, ठीक। यहाँ से शुरू हो जाता है पैसेज जो कि यहाँ तक चलता है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। चार का उत्तर हो जाएगा ए। अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब आपको फिर से इंग्लिश में आ जाएगा, एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश, मैंने बताया था ना दोनों भाषाओं में पेपर है। तो जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, ठीक। 2020 में ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं और यहाँ पे आपको उत्तर दिया जा रहा है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इनमें से कौन सी पूर्व धारणा वैध, वैध मतलब सही है, तो 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आएगा 6 नंबर के बाद, 6 ये है हमारा, यहाँ पे पहले ऊपर में दिया था संकेत कि 6 तक आपको ये दिए जाएंगे। तो 6 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका GM फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है, तो यह जो है वैध हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर है गुणनफल, यानी कि आपको मैथ का क्वेश्चन मिल गया है और बहुत ही इजी है, आप 10 को जो है ना सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार अंत में कितने शून्य होंगे वो आपको बताने हैं। तो 10 हो गया एक शून्य, उसको रख लीजिए, फिर 400 आएगा, 40 आ गया तो उसमें भी एक शून्य। आप मैथ का क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर, इसमें 10 शून्य होंगे, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है मैथ का, रेलवे में अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही इजी लगेगा आपको यह SSC का तैयारी। माना कि XYZ तीनों संख्याओं माना कि XYZ 3 अंकों की एक संख्या है, जहाँ X+Y+Z 3 का गुणांक नहीं है, तब X+Y+Z, Z+Y+X मतलब तीनों को जोड़ना विभाज्य नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 9, ठीक। या 9 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से हो जाएगा भाग लग जाएगा, 37 से भाग लग जाएगा और X+Y+Z से भाग लग जाएगा, लेकिन 9 से जो है भाग नहीं लेगा, ठीक। 9 नंबर आपका यह भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक। जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिलहाल तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे, ठीक। और ये 10 का हो जाएगा, 10 का ए नंबर, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और आप आराम से देखते रहिए, 10 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएँ अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाई जा सकती हैं, तो ऐसे एक भी नहीं है, ठीक, शून्य। उसके बाद आपको ये चीज़ सारा का सारा इंग्लिश में दे दिया है, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो 11 नंबर पूछ रहा है कि प्रतीकों में प्रतीक किस अंक को दर्शाता है, ये जो प्रतीक है इसको किस अंक को दर्शा रहा है आपको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का बी, 3 को दर्शा रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे 3 रखना है, 3, और यहाँ पे हो गया 13, 3, 13, उसके बाद आ गया 53, फिर आ गया यहाँ पे आपका 33, और उसके बाद फिर यहाँ पे 31, और सब को जोड़ के जितना हो रहा है वो उन्होंने लिख दिया है, ठीक। अब आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहे हैं, इसका हो जाएगा सी नंबर। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लेट हो जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबा चला जाता है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको ही करने हैं। 13 का हो जाएगा सी। 14 नंबर पे आते हैं, तो 14 नंबर हमारा किधर है, ऊपर में है, 14 नंबर का हमारा हो जाएगा बी नंबर, 7 और 8। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो मैथ है ना बहुत ही ईजी है, 10th लेवल का है, तो 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ACCE, ठीक। यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी ईजी क्वेश्चन दिया है, देखें देख सकते हैं दोस्तों। अब IAS का एग्ज़ाम बैठ रहे हैं, इतना ईजी तो बनाना लाजमी है यार। 16 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 3 उत्तर होगा इसका। उसके बाद ये आपका सारा का सारा इंग्लिश में भी एक बार पूछ दिया,
अब देखते हैं फिर हमारा आ जाएगा 17 नंबर यहाँ पे हिंदी, तो ये हिंदी में हमारा 17 का आंसर हो जाएगा सी। ये अकेला S1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, उसके बाद 18 नंबर जो कि ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, 18 नंबर यहाँ पे दे दिए हैं। ये आपका एस्टेटिक्स यानी कि सांख्यिकी का प्रश्न है और 18 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर 7.8। ठीक, एक्स का मान बताना है आपको, वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, आर और एस की, मतलब जो है आर एस की पत्नी है और एस जो है पति है। ठीक, आर एस की पत्नी है और एस पति है। और 20 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। ठीक, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है यानी कि अधिवर्ष मतलब एक ज़्यादा वर्ष, 366 दिन। उसके बाद ये सारा का सारा इंग्लिश में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, यानी कि आपको फिर से 7 पैसेज आ गए और इनका उत्तर देना, 7 प्रश्न आपके अंग्रेजी में सॉरी पैसेज में। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर का इधर भी है, तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर देने के लिए मैं बता दूँ तो 21 का आपको जो मिल जाएगा, नीचे उठाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केवल 3। ठीक, केवल 3। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये इंग्लिश में हो गया, ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है दोस्त, छोटा छोटा नहीं है उतना भी, इतना हल्के में मत लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर, 1 और 2। ठीक, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो पैसेज नंबर 24 में क्या बोल रहा है, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश आप चाहे तो पढ़ लीजिए, दिक्कत होता है तो इंग्लिश भी पढ़ लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। और फिर उसके बाद आता है हमारा 25 नंबर, ये जो 25 नंबर 25 नंबर का है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आता है, 26 का हमारा उत्तर हो जाएगा 26 का बी नंबर, यहाँ पे 2 और 4। ठीक, पूर्व धारणाएँ वैध हैं, बाकी दोनों गलत हैं। फिर आपका इंग्लिश में आता है, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 27, 27 नंबर क्या बोलता है, तो 27 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, निकट भविष्य में गरीब कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। और फिर 28 नंबर, 28 नंबर देन आता है हमारा, इसमें क्या है कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 28 के बाद हमारा आता है 29 नंबर जो कि यहाँ पे है, और 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ये नंबर S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। फिर 30 आता है, तो 30 में क्या बोलता है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सी। और फिर इंग्लिश आ जाता है, और यहाँ पे हम 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक, ये जो दिशा निर्देश का क्वेश्चन है डायरेक्शन का, तो इसका डी हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन आएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा ए, 32 नंबर क्वेश्चन पे उत्तर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 1। और 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटपटा जैसा लगेगा, लेकिन इसका उत्तर आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, क्वेश्चन का देख लीजिएगा ये थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा, मैथ क्वेश्चन 34 नंबर से, इसका उत्तर हो जाएगा 6 यानी कि बी। ठीक, देन हम आते हैं 35 नंबर, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपको देखना है जो कि स्थान परिवर्तन है, और इसका उत्तर हो जाएगा 35 का बी, 41। 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी जो कि ये है। ठीक,
उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिए, और इस वो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा C12। ठीक, अगर आपका मैथ टाइट है ना थोड़ा सा भी, मैथ आप अच्छे से पढ़े हैं 10th 12th या 10th तक, तब इजीली आप निकाल दीजिएगा C60 को। और रीजनिंग तो होता ही है मजबूत सभी का लगभग। 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, यू इज इक्वल टू 4V। ठीक, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन जैसा लगता है, माना कि दो धातुओं के घनों, साइंस का ही क्वेश्चन है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, 39 का हो जाएगा सी, ये 35 वर्ष। फिर 40 नंबर क्वेश्चन आता है, 40 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 3,75,000। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही पार होता है हम आ जाते हैं यहाँ पे पैसेज, फिर से आपको 6 पैसेज दिए जा रहे हैं, तो 41 नंबर के पैसेज का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक, ये डी। 42 नंबर आपका आता है 42, तो यहाँ पे पैसेज पढ़ लिए, उसके बाद आपको इसका उत्तर, तो 42 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी, 3 और 5, केवल 3 और 5। फिर हम आप इंग्लिश के सेक्शन में आते हैं, एक जैसे इंग्लिश का पेज पार होता है पैसेज, ये पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 का हो जाएगा आपका 43 नंबर का सी, जो कि यहाँ पे है, ये देखिए केवल 2 और 3। उसके बाद हम आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ पे पढ़ना है आपको, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे उत्तर देना है, और 44 का आपका हो जाएगा सी, केवल 3। फिर हम आते हैं इंग्लिश के पैसेज, इंग्लिश, ठीक, और इंग्लिश के पढ़ने के बाद फिर से आपको हिंदी का पैसेज पढ़ना है, और 45 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है, 45 नंबर का हो जाएगा आपका डी, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, न तो 1 और न ही 2। फिर आएंगे हम 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, जो कि यहाँ पे है न तो 1 और न ही 2। एंड देन हम आगे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हमें ये मैथ का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि लाभानि से है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा आपको ग्राहक को छूट निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब उतना मैथ भी नहीं है। 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 246। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, तो 49 नंबर पे क्या बोल रहा है, लुप्त पद को आपको फाइंड करना है, खोजना है लुप्त पद क्या है एट द रेट, तो यहाँ पे आपका लुप्त पद जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 49 का डी। ठीक, एंड 50 नंबर जो कि मैथ की क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7वां 8वां का क्वेश्चन है, 7 8 स्टैंडर्ड का, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ये इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही आपको पार होगा, सीरीज ये का क्वेश्चन है, ठीक, 51 नंबर का उत्तर हो जाएगा, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, 51 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी, 1.3/4 मीटर। फिर आएगा 52 नंबर, निम्न आंकड़ों को विचार करना है, और आपको स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी का ज्ञान निकालते हुए निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो 52 नंबर हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, 1971 से 1981। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, तो 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 14 से 11। ठीक, फिर हम आते हैं आगे, तो आगे आ जाता है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा बी, 54 का बी। ठीक, 1022। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो 55 का सी हो जाएगा। ठीक, 34.2/7, और ये इंग्लिश में आप चाहें तो पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश का स्टूडेंट हो तो बिकच पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। 56 नंबर आपका आ जाएगा, 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 50। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, 58 का उत्तर हो जाएगा आपका
बी। फिर यहाँ पे हम आते हैं तो आगे हमारा 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 60 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा जो कि मतलब थोड़ा मैथ का ही है, थोड़ा सा हार्ड है, 60 का हो जाएगा ए 16। फिर हम आते हैं इंग्लिश वाले पे। इंग्लिश जैसे ही आपका पार होता है दोस्तों तो हम आ जाएंगे ये पैसेज के सेक्शन में। फ्रेंड्स देखिए ये पैसेज जो है थोड़ा लंबा टाइप का होता है, तो इसे आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रीजनिंग और मैथ को ध्यान दें, ठीक ना। और हो सके तो एक बार अच्छे से मैथ के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। 61 का उत्तर हो जाएगा हमारा 61 का बी, 1991 में प्रारंभ किए गए, ठीक। उसके बाद ये आपको 62 नंबर का पैसेज पढ़ना है और यहाँ पे आपको उत्तर देना है, और 62 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी, भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। फिर 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे केवल दो होगा। एंड फिर यहाँ पे आप इंग्लिश के सेक्शन पे आते हैं। इंग्लिश के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से पैसेज मिल जाता है जो कि 64 नंबर के लिए है। तो 64 नंबर का आप पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। फिर हम 65 नंबर पैसेज यहाँ पे दिया है, ठीक, परिच्छेद 4, इसको पढ़ना है और 65 नंबर का उत्तर देना है। 65 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, ठीक, 65 का सी, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकास और मल निकास तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए परिच्छेद 5 पढ़ना पड़ेगा और इसको पढ़ लीजिए। फिर हमारा इंग्लिश का पेज आता है, एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश, दोनों का यही होता है, ठीक। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, 66 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे मिलता है और जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 66 का। राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन आता है, 67 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, 6 होगा 6। फिर हमारा आता है 68 नंबर क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा सी, 68 का हो जाएगा 6:16:9, 16:9। 69 का हमारा हो जाएगा सी, जो कि 62 आंसर है, 62। 70 का उत्तर हो जाएगा बी, और इसका जो है मैथ का क्वेश्चन है तो 40 आंसर होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाएगा पैसेज और वही इंग्लिश का खंड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन है ना तुरंत आपको एडजेक्ट नंबर देंगे और मैथ ही इसी सेट में काम देता है, तो मैथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, 6, ठीक। और 72 नंबर पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई आपको करंट अफेयर काम नहीं देगा, इसलिए आपको एक भी करंट अफेयर यहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल यही सी सारा चीज़ यहाँ पे, यानी कि छत्तीसगढ़ का 4 राज्य बढ़ गया और 32 हो गया, ठीक। तो वो सारे सी सेट वन में देंगे। 72 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यू और टू बी किलोमीटर पर आवर के बीच। 73 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, दे देते हैं सी, जो कि एक और दो दोनों होंगे। फिर 74 नंबर क्वेश्चन आप यहां पे पढ़ लीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। टोटल हमारे 80 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 74 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, ठीक। और जब आप रब कीजिएगा ना तो छोटे छोटे कीजिएगा, छोटे छोटे अक्षरों में, नहीं तो पेज तुरंत फुल हो जाएगा, क्योंकि दो पेज मिलते ही रब के लिए, दो चार पेज। 75 का उत्तर हो जाएगा आपका 75 का ए, जो कि 3 आंसर होगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 5/6। 77 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका डी, जो कि 3n+1 है। 78 नंबर में हो जाएगा आपका सी, जो कि 100 है। फिर 79 का हो जाएगा ए, यानी कि पानी से भरे हुए ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा 10 kg। और अंत आत्म आता है हमारा IT, जो कि अंतिम क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 29। तो यहाँ पे ख़त्म होने के बाद आपका इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश को जैसे ही आप पार करते हैं तो आपको दिया जाता है यहाँ पे रब करने के लिए पेज। तो ये हो गया एक पेज, देख लेते हैं रब के लिए कितना पेज मिल रहा है।
ये हो गया दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, और चार पेज आपको रब के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सीसेट का पेपर आज हम लोग कंप्लीट किए हैं और इसका उत्तर भी जाने, और वीडियो के एंड में मैं इसका जो है आंसर की लगा दूंगा। ऐसे तो आप सभी को बता ही दिया। तो दोस्तों आई होप कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ जिनका भी एग्ज़ाम है उन तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हम भारतीय ज्ञान तो बांटने में सबसे आगे होते हैं, ज्ञान मिलने में। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, नौकरी ले लीजिए, अमीर बनिए, गरीबी को दूर कीजिए।